हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि। डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओट्स का चीला। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीला होता है। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं, हेल्दी डाइट पर हैं, तो आप ओट्स का चीला बना करके खा सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तब भी आप ओट्स का चीला बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये ओट्स का चीला। तो ओट्स का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ओट्स का आटा लिया है। मैंने ये घर में ही तैयार किया है। जो ओट्स आते हैं उनको मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में रोस्ट कर लिया, उसके बाद मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया। इसको आप 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। ऐसे बना करके आप ये आटा रख सकते हैं ओट्स का। और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सूजी या फिर रबा, 2 टेबल स्पून दही डालेंगे और यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे इनको और अब हम डालेंगे पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी को हमें ध्यान से ही डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। आप इसमें सूजी की जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर सूजी और बेसन कुछ भी ना डालकर आप केवल ओट्स का चीला भी बना सकते हैं। तो मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर दिया। अब इसको 10 मिनट ढक करके छोड़ देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। जो सूजी थी वो फूल चुकी है और ओट्स का आटा भी थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो फिर से हम इसका पानी डालेंगे और एक पेस्ट तैयार करेंगे। थोड़ा सा इसको हम पतला करेंगे, पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरीके से मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है प्याज एक, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज डाल देंगे और मैंने एक टमाटर लिया है, टमाटर डाल देंगे। एक शिमला मिर्च लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है, वो डाल देंगे। सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्च डाल देंगे 2 हरी मिर्च, आपको जो पसंद हो सब्जियाँ, जैसे कि आप गाजर भी इसमें डाल सकते हैं आपके पास अगर अवेलेबल हो तो। मिक्स कर देंगे और अब यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब हम गैस पर पैन रख देंगे गर्म होने के लिए। तो पैन हमारा हल्का सा गर्म हो गया, तो इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लेंगे और स्प्रेड कर देंगे। और जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट डाल देंगे, बीच में डालेंगे और इसको यहीं से हल्का हल्का राउंड शेप दे देंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से अब इसको हम सिकने देंगे। ये जब हल्का सा सिक जाएगा तो हम ऑयल डाल देंगे। आप इस ऑयल अगर ना डालना चाहें तो ना भी डाल सकते हैं। हल्का सा हम ऑयल डाल देंगे और अब एक तरफ से ये सिक गया है तो इसको हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसको हम दबा दबा के सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको सेकेंगे। तो हेल्दी सा ओट्स का चीला हमारा सिक गया है, तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरा चीला बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आप इसको ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में बना करके खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें बना करके, बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो ओट्स का चीला हमारा बन करके तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।